नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। पिथौरागढ़, बाइक पर सवार होकर घर जा रहे भाई बहन खाई में गिरे, एक की मौत। पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 12वीं के छात्र की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी बाइक खाई में जा गिरी। बता दें कि यह हादसा इतना भयंकर था कि 12वीं के छात्र का शव क्षत विक्षत हो गया। इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बटका तोली चौनाला निवासी 19 साल का करण सिंह पुत्र मोहन सिंह और उसकी बड़ी बहन भावना 21 वर्ष शनिवार को बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इस बीच गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बाइक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बाइक के पीछे बैठी बहन भावना बाइक से छिटक कर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। करण बड़ी चट्टान पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस को युवक का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंचे गंगोलीहाट थाना अध्यक्ष किशन लाल ने बताया कि दोनों भाई बहन गंगोलीहाट में अपने मामा के रहकर पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को छुट्टी होने के कारण वो घर जा रहे थे। सड़क पर आ गिरा पूरा पहाड़, वहां से गुजर रहा था स्कूटी सवार, गिरा धड़ाम। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश के कारण कहर देखने को मिला। पहाड़ी में कई सड़कें धस गई और सड़कें टूटकर नदी और खाई में समा गई। पहाड़ी जिलों में सफर करने वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई रास्ते डाइवर्ट हो रखे हैं। पहाड़ में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। मैदान से लेकर पहाड़ में बारिश का कहर अभी भी जारी है। बता दें कि पहाड़ में सफर करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे, जिससे कई लोगों की जान चली गई और कई लोगों की जान पर बनाई। ऐसा ही कुछ हुआ बीते दिन, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर का है, जहां एक स्कूटी सवार बाल बाल बच गया, लेकिन भूस्खलन की चपेट में उसकी स्कूटी आ गई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। स्कूटी सवार बेफिक्र होकर जा रहा था कि अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। स्कूटी सवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना दिल दहला देने वाली थी। इससे सबको सबक लेने की जरूरत है। पहाड़ में यात्रा करने से बचे और सतर्क रहें। हरदा ने किया टूटे पुल का निरीक्षण, कहा ये बारिश नहीं बल्कि खनन की भेंट चढ़ा, सीएम से की ये मांग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज रानी पोखरी में टूटे पुल का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए इस हादसे का बड़ा कारण धड़ल्ले से हो रहे खनन को बताया। हरीश रावत ने इस हादसे को लेकर सरकार पर हमला भी किया। हरीश रावत ने कहा कि ये पुल खनन की भेंट चढ़ा है। मीडिया से बात करते हुए हरदा ने कहा कि ये बड़ी घटना है और बहुत चिंताजनक है। हरीश रावत ने कहा कि यह पुल नदी में बहुत ज्यादा पानी आने से नहीं टूटा है, बल्कि बारिश के पानी से ज्यादा नुकसान इस पुल को खनन से हुआ है। हरीश रावत ने कहा कि यह पुल तो बैलेंस पर आधारित होते। हरीश रावत ने इस दौरान सरकार समेत PWD पर हमला किया और कहा कि पुल से सबक नहीं लिया है। देहरादून, पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे आवेदकों के लिए जरूरी खबर पढ़िए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद जहां सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में काम सामान्य रूप से होने लगे हैं, तो वहीं पासपोर्ट कार्यालय में भी स्थिति सामान्य होने के बाद पासपोर्ट बनने की स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन तीसरी लहर के अलर्ट को देखते हुए वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय में उत्तराखंड से 75% ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, और अगर किसी के पासपोर्ट के आवेदन में कोई खामी आए तो उन आवेदकों को पासपोर्ट की साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर कार्यालय में आने का समय लेना पड़ रहा है। पासपोर्ट कार्यालय में स्थिति समान होने के बाद प्रतिदिन 700 पासपोर्ट के लिए उत्तराखंड से आवेदन आ रहे थे, लेकिन तीसरी लहर के आने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट कार्यालय में वर्तमान में 525 ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। वहीं यह स्थिति अगले आदेश तक 75% ही आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड के 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र व्यवस्थाओं के बारे में योजना बनाई जा रही है और इन केंद्रों में आवेदन बढ़ाने के लिए भी दिल्ली पर बात चल रही है। UKD अधिवेशन में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन, कमल रावत बने अध्यक्ष। उत्तराखंड क्रांति दल के जखोली ब्लॉक अधिवेशन में नेता और कार्यकर्ताओं ने दल को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर ब्लॉक कार्यकारिणी, ब्लॉक युवा प्रकोष्ठ, ब्लॉक महिला प्रकोष्ठ, ब्लॉक किसान प्रकोष्ठ एवं जिला IT प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मसूरी में भूस्खलन से 3 घरों में घुसा मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान।
मसूरी में शनिवार देर रात तेज बारिश के कारण भूस्खलन से तीन घरों में मलबा घुस, तीनों घर काफी क्षतिग्रस्त हो गए। घर पर मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इलाके का जायजा लेकर प्रशासन को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोताघाटी, तीन धारा, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट एवं चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर हालत का जायजा लिया। दुष्कर्म के आरोप में देवर सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज। मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। विवाहिता ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 11 अगस्त 2021 की रात उसका पति घर में नहीं था। इस दौरान उसके देवर ने मुंह पर कपड़ा ठूंसकर चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब घटना के बारे में पति और सास को बताया तो उन्हें धमकी देते हुए चुप रहने को कहा गया। उत्पीड़न से परेशान होकर विवाहिता माई के चली आई। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एसटीएफ ने अंतर्राज्य कबूतरबाजी गिरोह का किया पर्दाफाश, एक महिला सहित तीन गिरफ्तार। एसटीएफ ने कबूतरबाजी के आरोप में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह सिंगापुर की स्टैमफोर्ड कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देता था। उत्तराखंड में भूस्खलन से जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, खोलने में जुटा विभाग। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद है। वहीं सड़क बह जाने के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग 108 भिन्नू के पास बंद है, जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जोड़ों के सड़क अवरुद्ध होने के कारण धरासु यमुनोत्री राजमार्ग 94 पर भी यातायात बाधित है, जिससे आम लोगों को आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। खुरपका रोग की चपेट में आने से मवेशियों की मौत। पौड़ी के विकासखंड पाबो में इन दिनों मवेशियों में खुरपका रोग देखने को मिल रहा है। खुरपका रोग की चपेट में आने से मवेशी लगातार मर रहे हैं। इलाके में अभी तक करीब 6 से अधिक मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही यहां मवेशियों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग इस पूरे मामले में आंखें मूंदे बैठा है। वहीं स्थानीय लोगों ने गौरक्षा के नाम पर वोट बैंक की राजनीति चमकाने वालों पर निशाना साधा है। इस मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े ने मवेशियों के इस बीमारी को लेकर कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। मसूरी घूमने आए पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त। देहरादून मसूरी मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में तीन लोगों को हल्की चोटें आई है। पर्यटक दिल्ली से मसूरी घूमने आए थे। घटना बीते रात की बताई जा रही है। कार गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार सवार तीनों युवकों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कार में सवार किसी भी युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। बता दें कि मसूरी में विगत दो हफ्तों से बारिश के साथ ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। ऋषिकेश जाना हुआ महाभारत जाम ही जाम। अगर आप भी ऋषिकेश जा रहे हैं तो ध्यान रहे, आपको रास्ते में जाम ही जाम मिलने वाला है। दरअसल रानी पोखरी के पुल टूटने पर आमजन पर भारी पड़ रहा है। श्यामपुर रेलवे फाटक पर पहले ही जाम लगता था और अब दून ऋषिकेश का ट्रैफिक से और बुरा हाल हो गया। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर बना तो ऋषिकेश रेलवे ओवर ब्रिज को राहत नहीं है। हालांकि अभी सावन की कांवड़ यात्रा नहीं है, इस समय और यात्रा धाम भी बंद है। स्टेट कराटे चैंपियनशिप टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। विधानसभा में विधायक पूरन सिंह फरत्याल के साथ आई 18वीं स्टेट कराटे चैंपियनशिप टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने दुबई में आयोजित होने वाली कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम में प्रतिभाग करने के टीम के सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां भी आज विभिन्न खेल स्पर्धाओं के साथ ही अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के साथ प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। थाने में घुसकर बीडीसी सदस्य ने एसओ पर ताना तमंचा। नानकमता थाना प्रभारी पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने थाने के अंदर ही तमंचा तान, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को 315 बोर, एक तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं प्रभारी एसओ नवीन बुधनी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं प्रभारी एसओ नवीन बुधनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम ने नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को किया फ्लैग ऑफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने इसमें जॉगिंग करते हुए किया प्रतिभाग।
कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया। सीएम ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का स्मरण करते हुए खेल दिवस की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी न रहे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। बाबा केदार के दर्शन कर विश्व भ्रमण पर जाएंगे पवनदीप। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन अपनी जीत के लिए मेहनत और दुआओं के साथ ही बाबा केदार के आशीर्वाद को सबसे अधिक मानते हैं। यही वजह है कि अब विश्व भ्रमण पर निकलने से पहले बाबा केदार का आशीर्वाद लेने आएंगे। इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने के बाद हाल में ही पवनदीप उत्तराखंड आए थे। ऋषिकेश रानी पोखरी में बनेगा 450 मीटर लंबा डबल लेन सीसी पुल। रानी पोखरी के जाखन नदी के ऊपर बने मोटर पुल के दो हिस्सों में टूटने के बाद लोनीवी नेशनल हाईवे डिवीजन डोईवाला ने नए मोटर पुल के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस मोटर पुल के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि में बजट से पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यहां पर 450 मीटर लंबा डबल लेन का मोटर पुल बनेगा। पीहू नौटियाल ने जीता मिसेज उत्तराखंड 2021 का खिताब। आज भी पहाड़ों में बहुओं के लिए सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर कई तरह की बंदिशें हैं। उत्तरकाशी के नौटियाल परिवार ने इन बंदिशों का दरकिनार करते हुए अपनी बहू पीहू नौटियाल को मिसेज उत्तराखंड 2021 कॉन्टेस्ट में प्रतिभाग करवाया। पीहू नौटियाल ने अपने परिवार को इस सपोर्ट के दम पर देहरादून में आयोजित मिसेज उत्तराखंड 2021 और मिसेज टैलेंटेड का खिताब अपने नाम किया है। हरिद्वार पुलिस ने सीपीयू वाहनों में लगाया जीपीएस, निगरानी में होगी पेट्रोल। हाईटेक होती उत्तराखंड पुलिस ने एक कदम और बढ़ाया। रविवार को हरिद्वार एसएसपी ने जीपीएस सिस्टम वाले सीपीयू वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये वाहन पुलिस कंट्रोल रूम से तुरंत सूचना हादसा ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू के लिए जल्द पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।